हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रैंकाइन साइकिल के ऊपर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि रैंकाइन साइकिल की जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको हम न्यूमेरिकल्स में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक सैंपल प्रॉब्लम दी है जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर सके। इस तरह से मैंने प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है In a steam turbine, steam enters at 20 bar and 360 degree centigrade is expanded to 0.08 bar. Full stop. It then enters a condenser where it is condensed to saturated liquid. Full stop. The pump feedback the water to the boiler. Assume ideal processes, find per kg of steam, net work and cycle efficiency. ठीक है, तो अब इस numerical को हम लोग start करते हैं। ठीक है ना, ये हमारा Rankine cycle का numerical है। तो Rankine cycle में हमें PVTS diagram बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जो मैंने बताया था analysis करते हैं, वो हम लोग TS diagram बनाने के बाद analysis कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग डेटा गिवन भी लिखते जाएंगे, साथ में इसका टीएस डायग्राम भी देख लेते। ठीक है, ये सबसे पहले मैं इसका सैचुरेशन कर्व बना दूंगा। सैचुरेशन कर्व बनाने के बाद दे रखा है कि टरबाइन का जो प्रेशर है वो दे रखा है 20 बार, यानी कि P1 इज इक्वल्स टू 20 बार एंड P2 इज इक्वल्स टू 0.08 बार। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें दो प्रेशर लाइन ड्रॉ करनी है जो डिनोट करेंगी ये P दे रखा है 20 बार और ये P दे रखा है 0.08 बार। ठीक है, उसके अलावा मुझे इस क्वेश्चन में कोई भी डेटा नहीं दे रखा, और दे रखा है जो स्टीम है T1, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम T1 जो दे रखा है वो दे रखा है 360 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीन डेटा मेरे को गिवन है। ठीक है ना, और बता क्या रखा है, वो बता रहा है मेरे को कि ये स्टीम 20 बार प्रेशर से एक्सपेंड होके किस पर आती है, 0.08 बार पर आती है, देन ये कंडेंसर में एंटर होती है और कंडेंसर में एंटर होने के बाद ये सैचुरेटेड लिक्विड में कंडेंस होती है, और सैचुरेटेड लिक्विड में कंडेंस होने के बाद ये पंप को सप्लाई की जाती है और पंप द्वारा से इसको बॉयलर में सप्लाई कर देता है। ठीक है ना, तो अब हम लोगों को ये न्यूमेरिकल करना है। सबसे पहली बात, अब बात करते हैं स्टीम टर्बाइन, स्टीम एंटर्स एट 20 बार एंड 360 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे सबसे पहली कंडीशन ये देखना है कि स्टीम जो एंटर कर रही है टरबाइन में वो आपकी सैचुरेटेड स्टीम है, वेट स्टीम है या आपकी सुपर हीटेड स्टीम है। तो ये मैं कैसे पता करूंगा, तो उसके लिए हमें दे रखा क्या है, एट P1 प्रेशर टेम्परेचर दे रखा है 360 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम स्टीम टरबाइन को खोलेंगे और प्रेशर वाली टेबल जाएंगे, सैचुरेटेड वाटर एंड सैचुरेटेड स्टीम टेबल में प्रेशर की जो टेबल है, यानी कि टेबल नंबर टू पर हम लोग 20 बार के करस्पॉन्डिंग 20 बार वाली टेबल को खोलेंगे। 20 बार वाली टेबल को खोला, उसके करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर दे रखा है वो दे रखा है, टी एस की वैल्यू दे रखी है 212.4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि स्टीम का अगर 20 बार पर प्रेशर अगर 212 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती तो सैचुरेटेड स्टीम होती, पर हमने एंट्री किस स्टीम की कराई है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 360 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें यहां से यह पता चल गया कि 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुझे जो स्टीम मिलेगी वो कैसी मिलेगी, सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी। तो मैं वन पॉइंट मेरे को फाइनल हुआ कि मेरी जो स्टीम है वो सुपर हीटेड स्टीम है, मेरी जो स्टीम है वो मेरी सुपर हीटेड स्टीम है। ये बात वन पॉइंट क्लियर है, पहली बात हो गई, वन पॉइंट क्लियर है, आपकी स्टीम जो है वो सुपर हीटेड स्टीम है। सुपर हीटेड स्टीम होने के बाद
सुपर हीटेड स्टीम होने के बाद हम लोग सुपर हीटेड स्टीम की टेबल से हम लोग क्या निकालेंगे, एंथैल्पी निकालेंगे, एच वन की वैल्यू को निकालेंगे। तो एच वन की वैल्यू स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम एट 20 bar pressure, एट 20 bar pressure व्हाट इज द वैल्यू एट 350 degree centigrade। तो वैल्यू है हमारी एच वन की 3138.6 एच वन की वैल्यू बाय स्टीम टेबल एच वन इज इक्वल्स टू, मैंने जो निकाला है स्टीम टेबल की हेल्प से वो क्या वैल्यू आ रही है, स्टीम टेबल की हेल्प से जो वैल्यू है वो 20 बार के करस्पॉन्डिंग आ रही है आपकी 3138.0 किलो जूल पर केजी। ठीक है ना, सेम मैं एस वन की वैल्यू निकालूंगा, एस वन की वैल्यू निकालूंगा किससे, टेबल नंबर 5 से। अगर मैं टेबल नंबर 5 से एच आपकी एंट्रोपी की वैल्यू निकालता हूं एट 20 बार प्रेशर तो मेरे को वैल्यू मिलती है 6.960 किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो मैंने एच वन और एस वन की वैल्यू स्टीम टेबल से निकाल ली। फर्स्ट स्टेप, स्टेप्स इसके फिक्स हैं, फर्स्ट स्टेप हमें यही करना है, एच वन और एस वन की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, स्टीम टेबल से। अब बात आती है पॉइंट टू, ये हमें बता दिया है कि स्टीम जो है वो 0.08 प्रेशर तक एक्सपेंड होती है, 0.08 प्रेशर तक एक्सपेंड होती है, पर मुझे ये कंडीशन नहीं दे रखी है कि एक्सपेंशन के बाद जो स्टीम है वो सैचुरेटेड स्टीम रहती है या वेट स्टीम बनती है या सुपर हीटेड स्टीम बनती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप है आपका एच वन और एस वन की वैल्यू निकाल ली, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे पॉइंट टू पर, ड्राइनेस फ्रैक्शन एट पॉइंट टू, पॉइंट टू पर ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। हम एक चीज जानते हैं, कि प्रोसेस वन से टू जो होगा, कैसा होगा, आइसेंट्रोपिक, कैसा होगा, आइसेंट्रोपिक। तो क्या मैं ये कह सकता हूं एस वन इज इक्वल्स टू एस टू होगा, और जब S1 और S2 इक्वल होगा तो S2 को मैंने बताया था कि अगर जब हमें कंडीशन नहीं पता होती है और ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना होता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, S2 को मैं लिख सकता हूं SF2 प्लस X टाइम SFG2, S1 इज इक्वल्स टू SF2 को मैंने क्या लिख दिया, SF2 प्लस एक्स टाइम एस एफ जी टू। ये फॉर्मूला होता है जब हमें वेट जोन में एंट्रोपी निकालनी होती है तो वेट जोन की एंट्रोपी का फॉर्मूला यही होता है। ध्यान रखो वेट जोन की एंट्रोपी का फॉर्मूला ये होता है, अगर मुझे एस वेट रीजन में निकालनी है तो हम उस प्रेशर पर एस एफ देख लेंगे और एक्स टाइम उसी प्रेशर पर एस एफ जी देख लेंगे। यहां से हम लोग वेट जोन की क्या निकाल सकते हैं, एंट्रोपी निकाल सकते हैं। तो मैंने S1 तो निकाल चुका हूं, S2 देख लेते हैं किस प्रेशर पर, 0.08 प्रेशर पर। तो वेट जोन की बात है तो हम सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेबल में जाएंगे, प्रेशर टेबल में यानी कि टेबल नंबर 2 पर जाएंगे और आपका 0.08 प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यूज को चेक करेंगे। तो HF जो दे रखा है SF, यहां पर एस एफ की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपकी 0.08 के करस्पॉन्डिंग, आप चेक कर सकते हैं 0.593। और एस एफ जी की जो वैल्यू दे रखी है, जितना मैं ब्लू से लिख रहा हूं वह मैं स्टीम टेबल से देख रहा हूं, एस एफ जी की वैल्यू दे रखी है 7.502 किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है ना, तो यहां से मैं एस एक्स की वैल्यू को निकालूंगा, यहां से मैं एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। एस वन रखेंगे 6.960 इज इक्वल्स टू एस एफ टू की वैल्यू मैंने स्टीम टेबल से निकाली है 0.599
प्लस एक्स टाइम एस एफ जी की वैल्यू मैंने स्टीम टेबल से निकाली है 702। यहां तो इसको सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी, एक्स की वैल्यू जो आ रही है इसको सॉल्व करके वो आएगी 0.838। एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.838, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू आएगी 0.838, क्लियर है। 0.838 जब आएगी तो अब चीज को समझो, अगर ये एक्स की वैल्यू 1 आती, सपोज दैट कैलकुलेट करने के बाद हमारी एक्स की वैल्यू 1 आती तो हमारा 0.2 का होता, 0.2 होता आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन पर। अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा आती तो कहां होता, आफ्टर एक्सपेंशन में मुझे कैसी हीट मिल रही होती, सुपर हीटेड स्टीम मिल रही होती। पर x की वैल्यू 1 से कम आई है तो एट द एग्जिट ऑफ द टर्बाइन हमें कैसी स्टीम मिल रही है, हमें मिल रही है वेट स्टीम। तो मेरा टू पॉइंट मुझे क्लियर हो गया कि वेट जोन में है और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया कि टू पॉइंट ये है, ये पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। तब तक हम लोग पीवी डायग्राम को क्लियर नहीं कर सकते। उसके बाद हमें पता है थर्ड पॉइंट है सैचुरेटेड लिक्विड ही निकलता है कंडेंसर के बाद, सैचुरेटेड लिक्विड निकलता है। और फोर्थ पॉइंट भी, फोर्थ प्रेशर भी क्या होता है, आइसेंट्रोपिक प्रेशर प्रोसेस होता है, तो आपका फोर्थ भी स्ट्रेट लाइन आएगी। अब मेरी जो जो रैंकाइन साइकिल बनती है वो बनती है ये, ठीक है। तो मेरी रैंकाइन साइकिल कंप्लीट हो गई। तो सबसे पहली बात यही है कि टू पॉइंट की कंडीशन निकालनी है, यहां से ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालनी है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि वेट स्टीम है तो भी मुझे कितनी वेट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में सैचुरेटेड दे रखी है स्टीम तो आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू। हम ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं कि मुझे हर पॉइंट पर H1, H2, H3 और H4 निकालना है, मतलब मुझे चारों पॉइंट्स पर एंथैल्पी को कैलकुलेट करना है। अब इस पॉइंट पर मैं एंथैल्पी कैलकुलेट करूंगा, किस पर, H2 पर। तो मेरी H2 की वैल्यू क्या होगी, H2 की वैल्यू होगी HF2 प्लस X टाइम HFG2। HF2 और HFG2 किस प्रेशर पर बात कर रहे हैं हम, 0.08 पर, क्योंकि 2 पॉइंट है तो 0.08 पर बात कर रहे हैं। तो मैं स्टीम टेबल से निकाल के यहां पर दिखा बताता हूं कि आपको एच एफ की वैल्यू कितनी है और एच एफ जी की वैल्यू कितनी है। तो 0.08 के करस्पॉन्डिंग, 0.08 के करस्पॉन्डिंग आपकी एच एफ की वैल्यू जो है वो है 173.9 किलो जूल पर केजी, और एचएफजी की वैल्यू जो है, एचएफजी की वैल्यू जो है वो है 2403.8 किलो जूल पर केजी। मुझे एक्स पता है, मुझे एक्स पता है, तो मैं यहां से H2 की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। मैं H2 की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, वैल्यू पुट करता हूं 173.9 किलोजूल किलोजूल पर केजी बाद में रखेंगे, 0.838 इंटू 2403.8। यहां से जो H2 की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो आएगी 2187.68 किलोजूल पर केजी। मुझे H1 पता चल गया, H2 पता चल गया, H1 पता चल गया, H2 पता चल गया, दो चीज मुझे पता चल गई, H1 पता चल गया, H2 पता चल गया, क्लियर है। H1 पता चल गया, H2 पता चल गया, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। ये जो ब्लू लाइन से जो लिखा है, ये वाला डेटा स्टीम टेबल से निकाला है, ये वाला डेटा स्टीम टेबल से निकाला है, और ये वाला डेटा स्टीम टेबल से निकाला है। अभी ये डेटा हमने स्टीम टेबल से निकाला है, ठीक है। मुझे H1 पता चल गया, H1 पता चल गया, H2 पता चल गया। यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, यही स्टेप फॉलो करने हैं। देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, हम H3 निकालने की कोशिश करते हैं, H3 निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं गिवन डेटा को भी हटा देता हूं,
ठीक है ना, इससे दो पार्ट में मैं बोर्ड को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं H3 की, तो H3 मेरा किस कहां पर है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर, तो क्या मैं H3 की वैल्यू को डायरेक्ट HF की वैल्यू एट 0.08 बार पर नहीं निकाल सकता, क्योंकि सैचुरेटेड पॉइंट्स की तो वैल्यूज हमें डायरेक्ट स्टीम टेबल में गिवन होती है, तो H3 की वैल्यू जो है 0.08 बार पर जो वैल्यू दे रखी है स्टीम टेबल में, आप जब चेक करो तो आप खुद से चेक करना, 173.9 किलो जूल पर केजी, ये हो गई H3, ये हो गई H3, ठीक है ना। यहां पर मुझे H3 के साथ साथ मुझे एक चीज की जरूरत और पड़ेगी, क्यों पड़ेगी वो भी देख लेते हैं। अब मुझे H4 निकालना है, मुझे निकालना है H4 और निकल जाए तो मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, मेरा काम हो गया। H4 कैसे निकालेंगे, H4 तो हमें ये जोन तो पता ही नहीं है, इस पॉइंट की वैल्यू हमें तो सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर की वैल्यूज पता होती है, सैचुरेटेड लिक्विड की और सैचुरेटेड वेपर की वैल्यूज पता होती हैं। तो क्या मैं H4 को एक तरह से लिख सकता हूं, आप मुझे ये बताओ, ये H4 is equals to, क्या मैं ये लिख सकता हूं HF3 plus pump work, क्या मैं ये लिख सकता हूं HF3 plus pump work, मतलब आपकी यहां पर जो एंथैल्पी रही होगी उसमें जितना पंप ने वर्क किया होगा उसको ऐड कर दे तो HF4 की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो मुझे पंप वर्क निकालना है, वर्क ऑफ पंप, पंप वर्क कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, पंप किस पर काम कर रही है, लिक्विड पर, तो यहां से मैं VF स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालूंगा, किससे, स्टीम टेबल से, इनटू P2 माइनस P1 हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, P2 माइनस P1 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टीम टेबल की हेल्प से 0.08 प्रेशर पर आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो है 0.00, ब्लू से लिख दे रहा हूं क्योंकि मैंने पीएफ की वैल्यू स्टीम टेबल से निकाल रहा हूं, तो 0.00108 इंटू प्रेशर कितना हो गया 20 माइनस का 0.08, ये आपको पता है, पर ये बार में दे रखा है, बार में दे रखा है तो हम इसको 10^5 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसके लिए, इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, और किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूं 10^-3 से और मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, यानी कि अल्टीमेटली मुझे 10^2 से मल्टीप्लाई करना था किलो न्यूटन से किलो जूल में लाने के लिए। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.008 किलो जूल पर केजी पंप वर्क, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.008 किलो जूल पर केजी, और पंप वर्क को कैलकुलेट कर लिया तो मैं H4 भी निकाल सकता हूं, H4 is equals to HF3 plus pump work, तो H4 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी, H4 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 3159, H4 की वैल्यू जो आ रही है H4 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है H4 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 173.9 प्लस 2.008, यानी कि वैल्यू आ गई आपकी 175.908 किलो जूल पर केजी, क्लियर है, H4 की वैल्यू आ गई आपकी, H वन निकाल लिया मैंने, H2 निकाल लिया, H3 निकाल लिया और H4 निकाल लिया, क्लियर है। अब सारा काम खत्म हो गया हमारा, सारा काम खत्म हो गया, सारा काम खत्म होने के बाद सबसे पहली बात, अगर मैं निकालूंगा नेट वर्क, मैं निकालूंगा नेट वर्क,
सबसे पहला काम नेटवर्क निकालने का है, तो मैं निकालूंगा नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? डब्लू नेट। डब्लू नेट का मतलब समझो क्या हुआ, डब्लू नेट का मतलब वर्क डन बाई टर्बाइन माइनस वर्क डन बाई पंप। वर्क डन बाई टर्बाइन माइनस वर्क डन बाई पंप। और वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, वर्क डन बाई टर्बाइन क्या होगा, एच वन माइनस का एच टू होगा या नहीं होगा, और वर्क डन बाई पंप क्या होगा हमारा, एच फोर माइनस एच थ्री। और एच फोर एच थ्री हम निकाल चुके हैं और पंप वर्क भी हम डायरेक्ट निकाल चुके हैं। तो नेटवर्क एच वन कितना निकला था हमारा, एच वन जो हमने निकाला था वो निकाला था 3159.3। जो भी डेटा निकला था वो रख देंगे माइनस एच टू। एच टू की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, एच टू की वैल्यू निकली थी 2187.6, ठीक है। माइनस एच फोर माइनस एच थ्री पंप वर्क कितना निकला है, 2.008। तो आपका जो नेट वर्क निकल रहा है वो निकल रहा है 989.61 किलो जूल पर केजी। डब्लू नेट, नेट वर्क निकल आया, नेट वर्क निकल आया क्यू इन हीट सप्लाई। दूसरा क्या निकालेंगे हम, क्यू इन, क्योंकि साइकिल एफिशिएंसी निकालनी है, तो क्यू इन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एच वन माइनस एच फोर। एच वन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3159.3 माइनस एच फोर की वैल्यू अभी हमने निकाली है 175.908। तो एच वन माइनस एच फोर की वैल्यू जो आएगी, क्यू नेट जो आएगा वो आएगा आपका 2983.41 किलो जूल पर केजी। आपका क्यू इन आ गया, हीट सप्लाइड आ गई, ठीक है। तो साइकिल एफिशिएंसी क्या हो गई आपकी, साइकिल एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं तो साइकिल एफिशिएंसी आपकी कितनी हो गई, जिसको हम डिनोट करते हैं एफिशिएंसी से, तो नेटवर्क अपॉन क्यू इन। हमारा नेटवर्क कितना आया है 969.61 अपॉन 2983.41। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.325 और 32.5%। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट सॉल्व हो गया। यही सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब इसमें वेरिएशन कहां कहां हो सकता है, इस न्यूमेरिकल को एक को अच्छे से समझ लो, वेरिएशन क्या हो सकता है। पहली बात, यहां पर कंडीशन हमने निकाली थी सुपर हीटेड स्टीम है, हो सकता है कि क्वेश्चन में ही दे दे जो स्टीम एट इनलेट ऑफ टर्बाइन है वो सैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड स्टीम है तो सैचुरेटेड अगर स्टीम दे रखी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैचुरेशन वाली टेबल से H1 की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। पहली बात, पहला वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन दे सकता है इस क्वेश्चन में बोल दे नेगलेक्ट पंप वर्क, और आपको 80% न्यूमेरिकल में ये मिलेगा ही कि नेगलेक्ट पंप वर्क, तो मुझे ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमारा एच थ्री आएगा वही हमारा एच फोर होगा, जो हमारा एच थ्री आएगा वही हमारा एच फोर होगा। बस ये दो वेरिएशन इस न्यूमेरिकल में मिल सकते हैं। एक तो ये कंडीशन, वन की कंडीशन आपको फाइंड करनी है कि सुपर हीटेड है या सैचुरेटेड है, वेट होगी नहीं, ये कंफर्म है। टू की कंडीशन आप ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल के फाइंड आउट करोगे कि वेट है या सैचुरेटेड है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये न्यूमेरिकल है बेसिक रैंकाइन साइकिल का और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से सारे स्टेप्स को क्लियर कर लो। एक बार मैं स्टेप्स और बता देता हूं आपको क्या करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिया है, सबसे पहले एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन आप स्टीम की कंडीशन फाइंड आउट करो, सबसे पहले कि क्या कंडीशन दे रखी है, कि कंडीशन सुपर हीटेड है सैचुरेटेड है, वेट होगी नहीं। अगर आपने पता किया कि सुपर हीटेड है तो सुपर हीटेड वाली टेबल से डायरेक्ट पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एंथैल्पी मिलेगी। सेकेंड काम है आपका, सेकेंड स्टेप है, उसके बाद आफ्टर एक्सपेंशन स्टीम की कंडीशन क्या होगी, मतलब टू पॉइंट में सैचुरेशन पे बनाऊ, सुपर हीटेड जोन में बनाऊ या वेट जोन में, क्योंकि यहां ये तीनों कंडीशन आ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही बताया मैंने कि हमें पता है कि वन से टू एक तरह से रिलेशन है, कि
वन से जो टू प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो एस वन इज इक्वल टू एस टू करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अगर एक्स की वैल्यू वन आती है तो टू पॉइंट मेरा सेचुरेशन पर होगा, वैल्यू डायरेक्ट उठा सकता हूं। अगर टू की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन आती है तो भी मैं वैल्यू सुपरहीटेड से डायरेक्ट उठा सकता हूं। अगर मेरी टू की वैल्यू एक्स वन से, एक्स की वैल्यू वन से कम आती है तो वेट जोन में है। वेट जोन में होने के बाद मैं क्या करूंगा, टू पॉइंट पर निकालनी है मुझे एंथैल्पी। टू पॉइंट पे एंथैल्पी कैसे निकालूंगा, एच टू निकालूंगा, पहले एच एफ टू निकालूंगा, यहां पर इस प्रेशर पर एच एफ टू निकालूंगा, एच एफ जी टू निकालूंगा, और एच टू इज इक्वल टू एच एफ टू प्लस एक्स टाइम एच एफ जी टू, तो एच टू निकालूंगा। फिर आएंगे थर्ड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट की एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये सैचुरेशन लिक्विड लाइन पर है, 0.008 प्रेशर पर जो एच थ्री होगी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। H4 निकालने के लिए मेरे को अगर पंप वर्क दे रखा है या पंप वर्क को नेग्लेक्ट करने के लिए नहीं बोला तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालूंगा यहां पर थ्री पॉइंट पर स्टीम टेबल से, और स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू प्रेशर VDP, VDP होता है आपका पंप वर्क निकालने का फॉर्मूला, VDP लगाकर मैं पंप वर्क निकालूंगा, और H3 प्लस पंप वर्क इज इक्वल टू H4 होगा। H1 निकल गया, H2 निकल गया, H3 निकल गया, H4 निकल गया। फिर नेटवर्क निकालना है, नेटवर्क का मतलब आपका नेटवर्क हमने कहा किया है टरबाइन पर हमें वर्क मिला है और पंप को मैंने वर्क सप्लाई किया है, तो टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क जो होगा वो आपका कितना होगा, नेटवर्क होगा। अगर पंप वर्क नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है तो नेग्लेक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को हटा देंगे सीधे याद रख। अब नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, आप लोग डेटा से समझ पा रहे होंगे, ये वैल्यू है 971 और ये दो टू, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, बहुत छोटा सा पंप वर्क होता है कंपैरिजन में, ये तो 1 केजी है, तो हम लोग क्या करेंगे पंपर को नेग्लेक्ट कर देंगे अगर क्वेश्चन में बोला है, नहीं बोला तो हमें ये स्टेप फॉलो करना है। हीट सप्लाई निकालनी है, हीट सप्लाई का मतलब एच वन माइनस एच फोर निकालेंगे, क्योंकि हम सारे पॉइंट निकाल चुके हैं, साइकिल एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा था पर केजी ऑफ स्टीम, अगर मान लो स्टीम का फ्लो रेट दे रखा है कुछ, मान लो 2 kg per second दे रखा है, तो यहां पर हमें मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई करना है, यहां पर भी हमें मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई करना है टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल हीट सप्लाई निकालने के लिए, क्लियर है। इससे ज्यादा वेरिएशन आपको न्यूमेरिकल में नहीं मिलेगा, कंफर्म है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।